Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूरा विश्व इन दिनों कोरोना वायरस नामकर महामारी से जूझ रहा है। इस वायरस का खौफ हर किसी के चेहरे पर दिख रहा है। वहीं मशहूर दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। यही वजह है कि मजाक उड़ाए जाने के बावजूद वो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क पहने रहते थे। इस बारे में जानकारी उनके बॉडीगार्ड ने दी। thesun.com के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए जैक्सन के बॉडीगार्ड रहे मैट फिडेस ने इस बारे में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो माइकल जैक्सन जानते थे कि प्राकृतिक आपदा हमेशा बनी रहती है। वह इस बारे में बेहद जागरूक थे और हमेशा इस बात की भविष्यवाणी किया करते थे, किसी भी समय हम पर मुसीबत आ सकती है, कोई वायरस जरूर फैल सकता है। मैट ने आगे कहा, वह कभी कभी एक ही दिन में चार देशों की यात्रा करते थे, हवाई जहाज में कई लोग के साथ बैठकर सफर करते थे। मैट ने कई बार उनसे मजाक में फेस मास्क न पहनने को कहा, क्योंकि जब वह फेस मास्क पहने रहते थे तब मैट को उनके साथ तस्वीर खिंचवाने में शर्म आती थी, वह काफ़ी असहज हो जाते थे। वहीं मैट की ये बातें सुन जैक्सन कहते थे, देख मैट में बीमार नहीं पड़ सकता, मैं अपने फैंस को निराश नहीं कर सकता, मेरे बहुत सारे शोज हैं, मेरे इस दुनिया में रहने की कोई वजह है, मैं अपनी आवाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे स्वस्थ रहना होगा। मैं नहीं जानता कि आज मेरा सामना किस मुसीबत से होने वाला है, मैं नहीं जानता कि मुझ पर क्या गुजरने वाली है। वहीं इंटरव्यू में जब मैट से पूछा गया कि अगर जैक्सन जिंदा होते तो वह इस स्थिति को देखकर क्या कहते, इस पर मैट ने कहा, वह रोते कहते कि जब वह इस तरह की बातें करते थे तब कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था और लोग उनका मजाक बनाया करते थे। बता दें कि साल 2009 में माइकल जैक्सन का निधन हो गया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।